हे गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना। ये था मेरा टॉप और नीचे था लेगिंग्स। ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और गेस व्हाट, कहाँ गई थी? गेस किया आपने? वी गॉट द मूवी टिकट्स ऑफ एवेंजर्स एंड गेम। तो हम लोग एवेंजर्स देखने गए थे। इन्फिनिटी वॉर के बाद सब लोग बहुत ही एक्साइटमेंट थे। इस ये मूवी एक साल से एक्साइटेड में भरी हुई थी, कब ये मूवी निकलेगी और कब हम देखने जाएंगे। तो लकीली हमें भी टिकट मिल गया था, हम लोग गए थे। तो मतलब फुल पैसा वसूल मूवी है, फुल पैसा वसूल मूवी। आप लोग सोचोगे कि इतना मतलब खर्च कर एक मूवी देखने जाना क्या, कैसा होगा नहीं होगा, पर मैं बिलीव मी यार, फुल पैसा वसूल मूवी थी। और फैन ऑफ है, बहुत गर्मी लग रही है। और मूवी के बारे में क्या कहूँ मैं, मूवी के बारे में कुछ भी नहीं कहने वाली क्योंकि मज़ा फिर किरकिरा हो जाएगा। पर हाँ, जो लोग सोच रहे हो मूवी देखने जाने के लिए, ज़रूर जाना, क्योंकि सच में मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, उससे भी बहुत 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 अच्छी मूवी थी, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मूवी थी। और इस मूवी के लिए भी मैं बहुत मतलब एक्साइटेड थी। मैं पहले ऐसे हॉलीवुड मूवी नहीं देखती थी। मेरा भैया फ़ैन है हॉलीवुड मूवी का, और एवेंजर्स का तो खास कर। और उससे मैं जब मूवीज़ की स्टोरी सुनती थी, और मेरे हस्बैंड के साथ हॉलीवुड मूवीज़ देखते 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 अब मैं हॉलीवुड मूवीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। मतलब बॉलीवुड तो देखती हूँ, बॉलीवुड को छोड़ती रही हूँ, और हॉलीवुड मूवी की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। तो एवेंजर्स की तो अभी मुझे देखना ही पड़ता है। पर हाँ, पूरी स्टोरी मुझे इतनी याद नहीं रहती जितनी भैया को याद रहती है। तो कोई भी कुछ भी भूल जाती हूँ तो भैया से पूछ रहती हूँ। वो तो एवेंजर्स का फ़ैन है, उसके पास हर एक स्टोरी मतलब हर स्टोरी का मतलब नॉलेज है, क्या है क्या नहीं है। तो मूवी बहुत अच्छी थी और हाउसफुल था, हाउसफुल। मतलब आपको नेक्स्ट वन वीक कोई टिकट नहीं मिलने वाले। और सच में हमें लकीली मिल गई थी, क्योंकि हमने भी दो तीन दिन पहले से ट्राई किया था तो मिल गई थी। और उधर मेरे भैया भी देखने गए हैं, हम दोनों बात कर रहे थे क्या है क्या नहीं है मूवी के बारे में। सच में बहुत मज़ा आया देखकर और बातें कर, बहुत एक्साइटेड मूवी थी। जैसे बाहुबली हुआ था ना हमारे इंडिया में, कि एक साल से वो जो गुपचुप गुपचुप बातें चल रही थी आने के बाद, फिर देखना ही है देखना ही है। तो वैसे ही हमारे इंडिया में भी एवेंजर्स का बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। और एक उड़ती हुई खबर आ रही है, शायद शायद आयरन मैन इंडिया में आने वाले हैं। पता नहीं ये सच है कि झूठ है, पता नहीं, बस एक उड़ती हुई खबर आ रही है। और क्या बताऊँ मैं, मूवी के बारे में तो कुछ नहीं बोलने वाली, वो तो आपको जाकर देखना पड़ेगा। और इतनी भीड़ थी यार, मतलब हाउसफुल था। मतलब इससे पहले हम कलंक देखने गए थे, उससे पहले हम रॉ देखने गए थे, और वहाँ पे आईनॉक्स में आपको चार चार मूवी हॉल्स हैं, बहुत सारे टाइमिंग में हैं। फिर भी क्राउडेड थी, पूरी क्राउडेड थी। और मतलब क्या बताऊँ, लोग इतने पागल हो चुके हैं, मतलब इतने एक्साइटेड है कब ये मूवी देखेंगे, कब ये मूवी। और कुछ नहीं बोलना चाहती, बस आप लोग जाइए देखिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग भी इतने मतलब देर से इंतज़ार कर रहे थे कब ये मूवी निकलेगी। और मैं तो शॉक हो गई यार, आपने मेरा वो पिछला वाला वीडियो देखा जो मैंने एवेंजर्स के डबिंग के ऊपर डाला था, हिंदी जो हिंदी मूवीज़ होती हैं हॉलीवुड की, उनके जो डबिंग करते हैं, सच में हैट्स ऑफ देम, वो इतने अच्छे डबिंग करते हैं। और बहुत अच्छा लगा वो देखकर। मतलब जितना आप लोगों के लिए मैं जितना वीडियो बनाती हूँ, उसके लिए रिसर्च जब करने बैठती हूँ ना, तो रिसर्च करते करते पता चलता है सच में ये बात है वो बात है। ये तो पहले ये सब बारे में मैं सोचती भी नहीं थी। प्लेन जा रहा है, सॉरी फॉर द वॉइस। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और कैसा लगा ज़रूर बताना आप लोगों को ये मूवी। आप लोग कब देखने जा रहे हो, क्या प्लान है आप लोगों का इस मूवी को लेकर, ज़रूर बताना। आप लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट कर बताना। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट कोई लाइव में। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना, और सब्सक्रिप्शन के पास ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना मत भूलना, नहीं तो मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेंगे। तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस करना। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।